लेकिन पसीना नहीं आया क्योंकि ठंडी का मौसम है ना, पसीना आता ही नहीं है। अभी ये गर्मी बहुत है तो पूरा चेहरा ही नहीं देखने लायक ही नहीं बचता। इतनी इतनी ऊंचाई से मैं बढ़िया आराम से स्पीड से आ रहा था यार, सामने ले आए गाड़ी यार। अब आने की जरूरत क्या है इनसे ये पूछे, आने की जरूरत क्या है। हेलो गाइस, वेलकम टू अदर ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? मैं तो एकदम ठीक हूँ। और आज कुछ नया इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाला जो कि मैं आज साइकिल से राइड करते हुए जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं, फिर आगे मिलते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट राइड है जो कि साइकिल से हमारी फर्स्ट राइड है। तो इससे पहले मैंने कभी साइकिल पे नहीं बनाया, तो ये मेरी समझ लीजिए पहली 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 राइड है। तो आप सब भी बताइएगा कैसी राइड लगी मेरी साइकिल से। और चलो चलते हैं, चलेंगे। आज दो जगह जाना था लेकिन शायद कंफर्म नहीं है, देखो जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी एक ही जगह करता हूँ। मेरे हिसाब से आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी क्योंकि मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि मैं बहुत ही अच्छी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि अभी तो मेरी शुरुआत है। मुझे पता है वीडियो बनाना आता नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो मिस्टेक हो जाती है तो उस चीज़ के लिए सॉरी यार, माफ़ करना। साइकिल चलाने का भी एक अलग ही मज़ा है। और इस ठंडी में साइकिल चलाना ज़रूरी है, बाइक में थोड़ा ठंडी लगती भी है, ऊपर से पेट्रोल खर्चा भी होता है और इसमें थोड़ी मेहनत भी लगेगी, पसीना भी आएगा ठंडी में, और ठंडी भी दूर होगा, गर्मी अलग से आएगी, समझ ही रहे होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हुनर हाट पहले लगा था तो हुनर हाट हट चुका है, पूरा मैदान हो चुका है। देखिए जब हुनर हाट लगा था तो पहचान में नहीं आया था कहाँ पर क्या मैदान है, वहाँ पर क्या है, लेकिन अभी जो ज़बरदस्त सीन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अभी चलते हैं, हाईवे चढ़ते हैं। सबसे खतरनाक बात क्या है कि इस चढ़ान पर चढ़ाना बहुत मुश्किल है, जो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो बस चढ़ा रहा हूँ, और ऊपर से उल्टे साइड गाड़ी आती है तो अब मूड ख़राब होता है। तो देख रहे हैं, मैं साइकिल चढ़ाने की पूरी प्रयास कर रहा हूँ लेकिन ताकत मेरा कहाँ ख़त्म हो जाए मुझे खुद ही नहीं मालूम, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा और। तो अभी हम चढ़ा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। यहाँ पे देखा हमने ट्रैफिक, बाप रे, देख रहे हैं आप ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक है। और चढ़ते चढ़ते हम चढ़ान ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ट्रैफिक आप देख सकते हैं। ये देखिए उस तरफ कितनी ट्रैफिक लगी है, वो देखिए। साइकिल चलाते और वीडियो बनाते और बोलते, ये चीज़ थोड़ा ही परेशानी वाली चीज़ है। देखिए ट्रैफिक कितनी भयंकर लगी हुई है। अभी हमने मिशन कंप्लीट कर लिया है, अब यहाँ से ढलान नीचे, फिर अब ब्रेकर आ गया था थोड़ा, सॉरी, तो वो बिल्डिंग, ओह मेरे प्राण निकल चुके हैं। बहुत टाइम बाद मैंने साइकिल चलाया ना, जिसकी वजह से मेरी टांगे बहुत दर्द हो रही हैं। और ये देखें ट्रैफिक बहुत जोरों शोरों से लगा क्योंकि आगे हो गया एक्सीडेंट, क्योंकि जो कि आगे एक्सीडेंट हो गया है जिसके कारण इतनी ट्रैफिक लगी हुई है। तो ये रेल की पटरी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उतर के, मैं अपने R15 से जब उतरूँगा ना, ये देखिए मेरी R15, और मैं भी उतरूँगा उसके बाद। देखिए क्या ज़बरदस्ती सीन चल रहा है, और अभी दिखाते हैं, हम वहाँ खड़े होते हैं फिर मंजिल पे आपको दिखाते हैं। ये खाली इंजन जा रहा है आज, तो हम यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचे, तो इतनी मशक्क़त किया वो, जो हम वहाँ से ढलान से आते आते तो ये रेल की पटरी हमें यहाँ मिली, तो देख सकते हैं कुछ डाउट नहीं है क्योंकि कितनी मैंने मेहनत की है। और ये मेरी BMW, मैं यहाँ से जाऊँगा, अभी मुझे जाना है अभी अपने घर, तो इसी साइकिल से जाऊँगा मैं। तो अभी इधर देखें कितनी ट्रैफिक लगी हुई है। मज़ेदार बात यह है कि मैं साइकिल से जा रहा हूँ, और साइकिल से मैंने कभी इतनी काफ़ी टाइमों से, मतलब बचपनों के, अपने बचपन के टाइम पर मैंने साइकिल चलाई थी, जो कि अब मैं जाके साइकिल चला रहा हूँ। तो थोड़े से पैर दर्द हो रहे हैं लेकिन ठीक है, लेकिन इससे अच्छी क्या बात होगी। और सबसे बढ़िया अच्छी बात यही है कि मैं साइकिल चला रहा हूँ। मेरे बहुत फ्रेंड लोग पूछते तो साइकिल चलाता, मैं जब बोलता साइकिल से मैं जा रहा हूँ तो किसी को विश्वास ही नहीं होता कि मैं साइकिल चला रहा हूँ। तो अभी देखिए मैं जो कि इतनी दूर से आया हूँ, बहुत पीछे से जब चढ़ान जो होता है ना, चढ़ान चढ़ाने में मेरी तो हालत डाउन हो गई, फिर भी मैं लेकिन किसी तरह चढ़ाया हूँ। देखें चेहरा देख के लगी रहा होगा, और देखिए ट्रैफिक लगी है क्योंकि आगे एक्सीडेंट हो गया ना, तो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था। मैं सुबह जब जा रहा था देखा था तो सुबह एक्सीडेंट हो गया था ट्रक का, तो जिसके कारण यहाँ पर ट्रैफिक लगी, ट्रैफिक बहुत लंबी लगी है, वो खाली आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ट्रैफिक बहुत लंबी लगी। तो चलो चलते हैं, फिर अब मिलते हैं आगे ना। सबसे
ये सबसे प्यारा मोमेंट है कि जो मैं साइकिल चलाते हुए वीडियो बना रहा हूँ, और ये मेरा पहला ब्लॉग रहेगा जो मैं साइकिल, क्योंकि और मैं सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करती कि जो मेरे लेफ्ट हैंड पे जो ब्रेक है, पिछला ब्रेक, वो बहुत कम लगता है और मैं ढलान की ओर जा रहा हूँ। जब साइकिल ढलान पर रहती है तो फिर पैडल मारने की ज़रूरत ही नहीं है, तो एक अपने आप ही चलता है ये। इतनी ऊँचाई से मैं बढ़िया आराम से स्पीड से आ रहा था यार, सामने लिया है गाड़ी यार, ब्रेक लेना पड़ गया। जब ब्रेक लेना पड़ गया तो मेरी स्पीड यार रुक गई। अरे यार ऐसे ऐसे लोग यार क्या बताएं, अगला पैडल मारना पड़ रहा है, वहाँ तक मैं आगे निकल जाता ऐसे। कुछ लोग गधे होते हैं यार। अरे यार मुझे ऐसे कोई गाड़ी खड़ी कर देता ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है एक हाथ से वीडियो बनाने में, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस नहीं है ना साइकिल ज़्यादा चलाने का। जिस दिन हो जाएगा तो सटासट काटूंगा एक ही हाथ से। अरे हाथ क्या, हाथ ही नहीं लगाऊंगा स्टीयरिंग में यार, फिर ऐसे ही चलाऊंगा बिना हाथ लगाए। तो अभी सुबह यार निकलो घर से तो यार एक अलग ही लेवल की ठंडी लगती है, और बिस्तर से मेरा उठने का मन ही नहीं करता पहली बात तो। क्या आपका भी मन नहीं करता यार? आप सबको तो करते हो यार, तुम तो संस्कारी लोग हो यार। मैं संस्कारी टाइप का नहीं हूँ यार, पता नहीं कैसे हो जाता है इतनी मेहनत करना पड़ता है। एक लड़का यार देखते हैं उसको 6 बजे चला जाता है यार, मैं सोचता हूँ यार सब लोग 6-6 बजे उठ के कैसे चले जाते हैं। मेरे से साढ़े 7 बजे 7:30 बजे उठता हूँ, फिर भी सारा नींद नहीं पूरी होती ऐसा लगता है। ठीक है यार, मैं सुबह जब उठता हूँ ना, जब मैं सुबह उठता हूँ तो फिर सुबह क्या होता है ना कि मेरी नींद ही नहीं पूरी होती। मैं सोचता थोड़ा और सो लूँ यार, थोड़ा और सोने के चक्कर में इतनी देर हो जाती है ना, स्पीड रहता है अपना काम का, फटाफट करते हैं सारा, ढंग से कुछ काम नहीं होता। ऊपर से ना खाया ना कुछ पिया, ढंग से सूखे मुँह चले जाते हैं, गिराना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि हमारा एक जो स्काई जोन आर्टिस्ट का जो चैनल है ना, वो हमारा फिर से चालू होने वाला है, तो प्लीज़ उसमें जाइए, फटाफट जाइए सब्सक्राइब करिए, स्काई जोन आर्टिस्ट नाम डालिएगा सर्च पे, फिर उसके बाद आप फटाफट उसमें जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसमें और अभी नए नए वीडियो डालेंगे, तो क्योंकि ये ब्लॉग वाले में इसलिए नहीं डाल पाते क्योंकि यार अपने पास टाइम नहीं रहता ना, उसमें 5 लोग हैं मेंबर ग्रुप में, तो सब लोग बारी बारी से डालेंगे ना, तो इसीलिए उसमें बन जाएगा। लेकिन इसमें यार थोड़ा इसलिए पड़ जाता है, मैं अकेला रहता हूँ तो एडिटिंग का मसला, फिर ड्यूटी से आना, फिर सुबह यार तो जल्दी उठना यार, ये सब चीज़ की वजह से मैं थोड़ा जल्दी इसमें वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। तो उसमें स्काई जोन आर्टिस्ट वाले में हमेशा आपको नई नई वीडियो देखने मिलेंगी, तो आप जल्दी जाइए, फटाफट जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वहाँ पर जाके सब्सक्राइब करिए वीडियो, और देखिए और बताइए, कमेंट में करिए, बताइए कैसा है वीडियो, कैसा लगा आप सबको। लेकिन एक चीज़ पता चल गया आज हमें कि साइकिल चलाने का भी एक अच्छा सा ट्रिक होना चाहिए क्या, अगर आप हल्के पैरों से साइकिल, अगर आप हल्के पैरों से अगर पैडल मार रहे साइकिल में तो आपके पैर में दर्द कम होगा। ठीक है, अभी जैसे मैं स्पीड जल्दी, मतलब जल्दी पहुंचने के चक्कर में जल्दी जल्दी पैडल मारता हूँ तो मेरे पैर बहुत पे दर्द होते हैं, तो अभी मैं एकदम हल्के पैर से, देखें हल्के पैर से मैं पैडल मार रहा हूँ, तो हल्के पैर से मैं पैडल मार रहा हूँ ना तो मेरा पैर कम दर्द हो रहा है। अभी मैं इसको जल्दी 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 घर पहुँचने के चक्कर में जल्दी जल्दी पैडल मारता ना तो फिर मेरा पैर बहुत पे दर्द से फटे जा रहे होते हैं। तो वही है कि आप पता चला है कि हल्के पैरों से मारिए तो पैर दर्द कम होता है। जाना तो मुझे दुकान में भी था, कपड़े की दुकान में भी जाना था, और भैया ने, भैया बुलाते भी हैं कुछ काम से तो नहीं जा पाता हूँ। तो भैया अगर देखेंगे वीडियो तो पक्का बोलेंगे ये वीडियो बना सकता है, घर जा सकता है, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता। तो बात ये है ना कि आज मेरा थोड़ा तबीयत भी नहीं सही है ना, लेकिन आपको लग रहा होगा मेरा जो साइड का जो कंधा है ना, मतलब लेफ्ट हैंड का जो कंधा है ना ये वाला, तो ये दर्द हो रहा है। तो ये फिर भी मैं जा रहा हूँ घर, या थोड़ा सा खाना ना खाऊँगा, दवाई खाऊँगा, थोड़ी देर लेटूँगा, फिर सोऊँगा, फिर उसके बाद अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं जाऊँगा दुकान, तो अगर जाऊँगा तो मैं पक्का उधर पर भी वीडियो बनाऊँगा, उधर जाऊँगा तो जो भैया से आपको मिलाऊँगा आप सबको। फिलहाल अगर आप लोगों को पहले की वीडियो मेरी कैसी लगती है वो भी बताना, और ठीक है अभी तो हम आधी रास्ते के, काफ़ी रास्ते पार हो चुके, मेहनत तो बहुत लगी लेकिन पसीना नहीं आया क्योंकि ठंडी का मौसम है ना, पसीना आता ही नहीं है। अभी ये गर्मी बहुत है तो पूरा चेहरा ही नहीं देखने लायक ही नहीं बचता। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे कहना कि अपने गाड़ी से खाने आता था ना, तो इसीलिए इस रोड पर आना जाना जाता था, इस रोड पर मैं गाड़ी ज़्यादा से आ रहा था, तो ये रोड है वही, तो क्योंकि सन्नाटा रहता था, अभी तो थोड़ा सा चहल पहल हो गया। तो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड में भी बहुत सिखाया गाड़ी अपने भाई को भी, और कुछ लोग हैं और जिनको भी मैंने गाड़ी सिखाई यहाँ पे,
तो अभी यहाँ पे पता नहीं कुछ लग रहा है। तो ये जो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था ये हो गया है एक हफ्ते के आसपास हो गया है, तो इस गाड़ी को एक्सीडेंट हुए। लेकिन ये गाड़ी बहुत खतरनाक ही लड़ी थी, देख सकते हैं आप, जो बहुत ही भयंकर लड़ी थी, जो आ जा सके तो बहुत ही ज़बरदस्त, उसमें बचने की उम्मीद ही कम होगी शायद। शायद अभी कहते हैं गाड़ी हमेशा आराम से चलाएं और ज़्यादा ओवर स्पीड ना करें। अभी मैं कहता हूँ गाड़ी कभी भी ज़्यादा स्पीड ओवर स्पीड ना करें और जितना हो सके उतना ही चलाइए, ज़्यादा ओवर स्पीड ना चलाएं तो दुर्घटना होने का चांस हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा बहुत सीखे, उनको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ही आ गया, उनको बहुत ही ज़्यादा आ गया ऐसा लगता है, खुद तो मरो मरो और साथ में किसी और को भी लेके मरो, तो वो चीज़ गलत है ना। इसलिए कहते हैं ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कभी नहीं करना चाहिए, अपने स्पीड के अनुसार ही गाड़ी चले कि हाँ जितना स्पीड है लिमिट है उतना ही चलाइए, और ज़्यादा ओवर स्पीड कभी ना करिए। और किसी को दिखाने के चक्कर में कभी ऐसी गाड़ी मत चलाइए कि दिखाने के चक्कर में खुद ही आप किसी को दिखाने लायक ना बचे। तो चलो फिर मिलते हैं आगे का व्यूज़ देखें। और चढ़ान में मेरी हवा हो जाती है यार, और कुछ नहीं, चढ़ान में यार मेरे को दिक्कत होती है थोड़ी। तो ये हमारा वृंदावन का गेट, सिग्नल लगा हुआ, सिग्नल का रूल फॉलो कर लेते हैं, लगा दूंगा इराने को। वो थक गया रे। तो एक दिन ऐसे मैं आ रहा था रास्ते में, ऐसे एक बाबा बैठा हुआ था इस रास्ते पर ना, तो बाबा बैठा हुआ था, मुझसे कह रहा बेटा इधर आना, बेटा इधर आना। तो मैं गया तो मुझे पता नहीं था, एंड बेटा इधर आना। तो कहता है मुझे लगता है आप बड़े संकट में, मतलब आपको बड़ी प्रॉब्लम दिक्कतें हैं। मैंने कहा दिक्कतें तो हाँ है भाई, दिक्कतें किसको नहीं होती। तो वो कहानी बताने लगा कि आपको बड़ी दिक्कत है। तो मैं वैसे भाई 100 रुपये मांगी, कुछ जेब में पैसे हों तो देना, ये कर देंगे। फिर इन्होंने क्या किया, हाथ में नोट लिया, फिर उसके बाद उसको रुद्राक्ष में बदल के दिया। तो कहने लगा ये शिव जी का प्रसाद है। मुझसे ये कहानी बताने लगे, भैया पैसा मेरा लपेट ले गया, उसने कहा पैसा नहीं लूँगा, पैसा लेने के बाद मुझसे कहने लगा शिव जी का प्रसाद है। ऐसे बाबा से दूर रहना, तो यही कहूँगा। तो मैं वॉल आ चुका हूँ, तो जो भैया भी यहाँ पे हैं। तो मैं आज साइकिल से आया हूँ, आपको दिखाया था मैं साइकिल से, आज मेरे पैर बहुत दर्द हुआ, पहले मैं घर गया, फिर घर जाने के बाद मैं यहाँ आया। तो भैया मुझे मिले हैं, तो भैया आज मुझे गुस्सा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत देर में आया हूँ। तो अब इनको ये नहीं पता कि मैं कितनी दूर से आता हूँ, कहाँ से आता हूँ, इधर तो दिखे। तो इनको ये नहीं पता मैं साइकिल से आता हूँ। अब ऐसा तो है नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं, मैं बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, मैं इनकी तरह की ये गाड़ी जैसे आते हैं गाड़ी से, मैं तो साइकिल से आता हूँ, मैं इतनी दूर से साइकिल से आता हूँ। आने की जरूरत क्या है इनसे, ये पूछे आने की जरूरत क्या है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इनसे मिलने आता हूँ और ये मुझे कहानी बता देते हैं। तो ठीक है, अभी आप सबको कभी कुछ कपड़े वपड़े चाहिए हो तो भैया से कांटेक्ट करिएगा, और मेरे से भी करिएगा मेल। इनका भी एक चैनल है और मेरा भी एक चैनल है, तो मैं तो इनका एक हार्बल का चैनल है भैया का। तो आपको अगर कभी मोटा से पतला होना है, पतले से मोटा होना है, या वजन कम करना है या बढ़ाना हो, तो भैया के पास आइए, भैया बहुत अच्छा करते हैं। तो बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ मैं आपके बारे में तारीफ कर रहा हूँ। तो मेरा मुंह थक गया है भैया की इतनी तारीफ करते करते, लेकिन इनको लग रहा है मैं बेइज्जती कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती हो तो अनसब्सक्राइब करिएगा। और ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवाने से कोई मतलब भी नहीं है, अगर आप सबको अच्छी लगती होगी तो आप जाहिर सी बात आप लाइक करेंगे उसको। तो चलते हैं फिर, आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय, टाटा।